Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shlok 25. Tatra Bhavad Bhagavan Vyasa Putra. Chayagam Matmano Napekshaha. Alakshalingo Nijalabhatusta. Vritas Chabalai Ravadhu Tavesaha. Tam Dvestavarsam Sukumara Pada. Bahavansa Kapolagatam Sarvayatakcha Nasatulya Karana Subhra Nanankam Busujata Kantham Nigudha Jatram Pitutunga Vakshasam Avartana Bhimbali Valgu Dharamcha Digambaram Vatra Vikirna Kesam Digambaram Vatra Vikirna Kesam Kalamba Bahum Swamarottamabham Shyamam Sada Pichya Bayonga Lakshmya Strinam Manogyam Ruchirasmitena Pratyutthitaste Munayah Swasanibhya Sallakshanagya api gudha vachasam. Tatra Vaha us samaj mein Bhagavan Sarvagya Param Bhagavad Bhakt Vyas Putraha Vyasdev ke putra Jadrichaya apni ichcha se athva Shri Bhagwan ki prerna se gam prithvi par atmanah paryatan karte hue anapeksha kisi vastu ki apeksha se nahi अलक्ष्य लिंगः किस आश्रम के हैं इसका कोई चिन्ह नहीं था निजला भतुष्ट भगवत भक्ति के लाभ से आत्मतुष्ट थे वृतश्च घिरे हुए थे बाले ही बालकों के द्वारा और पीछे का जो चकार है उस स्त्रियों के द्वारा अवधूत वेशः जिन्हें शरीर का आदर का विचार नहीं था अथवा जनता जिनको असामाजिक समझकर या पागल समझकर उपेक्षा करती थी वे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित ऋषियों के समाज में सुखदेव गोस्वामी के आने के पहले
इनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि मैं हे महात्माओं, मैं आपसे जीवन में पूछने योग्य एक बात पूछ रहा हूँ। आप पूरा विचार करके, विमर्शन करके और मेरी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। इस बात पर ऋषि लोग वहां परस्पर विचार करने लगे। दो प्रश्न थे, किसी मनुष्य का जीवन में क्या कर्तव्य है, और दूसरा प्रश्न है सर्वथा म्रियमाण जो हैं उनको क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि शीघ्र उत्तर दीजिए और खूब अच्छा से विचार करके। विचार करने का अर्थ यह है कि शास्त्र में क्या करने के लिए लिखा गया है और साधु समाज क्या कहता है। तीन प्रमाण माना गया है, साधु, शास्त्र, गुरु। यहाँ साधु और गुरु एक ही है, तो मूल प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र के आदेशों को ही साधु जन जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रश्न के साथ महाराज परीक्षित ने यह उनको सुविधा दिया कि आप विचार कर ले और विचार करके हमें कृपया बतलाइए हमें क्या करना चाहिए। उस समय ऋषियों में परस्पर चर्चा चलने लगी। अनेक पंथ के और अनेक धाराओं से, गुरु परंपरा से ये ऋषि लोग आए थे, तो कोई याग मतलब यज्ञ करने के लिए कहने लगा कि महाराज को इस समय यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। कोई कहते थे नहीं नहीं, अष्टांग योग का आचरण करना चाहिए भगवान का ध्यान करने के लिए। कोई तपस्या करने के लिए कहते थे और कोई दान देने के लिए कहते थे। दान है बहुत बड़ा कल्याण करता है। चार मुख्य साधन लोग आपस में विचार कर रहे थे, और भी थे, तो किसी एक निर्णय पर नहीं आ रहे थे वो लोग। जब विचार कर ही रहे थे और सभा में हाँ हाँ हो रहा था, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, कोई अस्वाभाविक नहीं है भिन्न भिन्न बात कहना, क्योंकि शास्त्रों में अनेक साधन कहे गए हैं और अनेक अधिकारियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन शास्त्र बताते हैं। उस नियत से ये सब आपस में विचार कर रहे थे, पर किसी एक निर्णय पर नहीं आ रहे थे। जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक रोग है, रोगी है, तो अगर वो कहीं जाए अथवा जुट जाए डॉक्टर, कोई होम्योपैथी है, कोई एलोपैथी है, कोई आयुर्वेदिक है, कोई कुछ है, तो सब भिन्न भिन्न दवा बताएंगे, है ना। जरूर विवाद होने लगेगा। उद्देश्य क्या है? रोग को ठीक करना। और डॉक्टर का जो संकल्प है वो भी ठीक करने का, लेकिन फिर भी वे अपनी अपनी धारा से दवाई बताते हैं। ये हम लोग व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। होम्योपैथी कुछ दूसरा ही टांग अड़ाएगा, एलोपैथिक वाला और दूसरा कहेगा, आयुर्वेद वाला कहेगा दोनों बेकार है, कुछ कोई कुछ, और फिर प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहेंगे सारा दवाई सवाई बेकार है।
केवल मिट्टी और जल से आश्रम सुन से सब ठीक हो जाएगा, फिर कहेंगे ना। तो शास्त्र ये तो जितनी दवाइयाँ बताई गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार से रोग की, उससे ज्यादा शास्त्र में साधनों की संख्या है। तो केवल नहीं विवाद हुआ, विवाद वो सिर्फ हराने जितने के लिए नहीं हो रहा था, लेकिन शुद्ध भाव से सब परामर्श कर रहे थे। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, तत्र याग योग तपो दानादि भी विविध मानेषु सत्सु, जब सब ऋषिगण आपस में एक मत का नहीं हो रहे थे, उसी समय उस समाज में यदृच्छया भगवत कृपया भगवान की कृपा से ग्राम पर्यटन पृथ्वी पर विचरण करते हुए व्यास पुत्र श्री शुक तत्र अभवत प्राप्त उस स्थान पर आए। किस प्रकार से इनकी वेशभूषा इस पर घटे, अलग छ लिंगो, लिंग का अर्थ चिन्ह है, कोई विशेष जैसे गृहस्थ लोग सादा कपड़ा पहनते हैं और सन्यासी गिरिया पहनते हैं या महात्यागी कोई कोई भस्म रमाते हैं, जोड़ते नहीं, ये सब चिन्ह बताते हैं कि यह व्यक्ति इस पंथ का है, इस परंपरा का है। पर सुखदेव गोस्वामी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, ये ब्रह्मचारी है क्या है या सन्यासी है वानप्रस्थी है, गृहस्थ होने का तो सवाल ही नहीं। गृहस्थ इस तरह से नंग धनंग थोड़े घूमेगा। अलक्ष लिंग, एक टीकाकार इसका अर्थ किए हैं, सुखदेव गोस्वामी कौपिन पहने थे, गुप्तम दिखाई नहीं पड़ रहा था, अलक्ष लिंग वो ठीक ही लिख रहे हैं। कोई उनका नियम नहीं था कि नहीं ही पहनेंगे, हो सकता है समाज में आ रहे होंगे तो कौपिन धारण कर लिए, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है किसी भी आश्रम का चिन्ह धारण नहीं किए थे या कोई वर्ण का कि ब्राह्मण है कि क्या है। ब्राह्मण होते तो अपने ब्राह्मण प्राय हाथ में शास्त्र लेकर चलते हैं, जैसे राजमिस्त्री अपने हाथ में करनी डोरा लेकर के चलता है इतना जोड़ने के लिए, ब्राह्मण चलते हैं तो वेद लेकर के। बहुत दुख की बात है कि आजकल के ब्राह्मण न्यूज पेपर लेकर भूल गए, यही वेद पढ़ रहे हैं, उसको कली वेद कहते हैं। कलयुग का वास्तव में यही वेद है, चारों तरफ सवेरा होते ही बस इस वेद की बिक्री चालू, बाइसिकल से चाहे मोटरसाइकिल से, जान। बहुत यही आवश्यक है मानव जाति के लिए, यही पहुंचाया जाता है उनके पास। वास्तव में भगवद गीता सबके पास होना चाहिए, जो सवेरे पढ़ना चालू करें। इस तरह से सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बस इतना ही जान पड़ते थे कि एक मनुष्य हैं, वह भी अद्भुत मनुष्य। आगे लिखा गया है दिगंबरम, दिशाएं ही उनका अंबर कपड़ा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब जगह केवल दिशाएं ही, चाहे कुर्ता समझिए या कॉपी या पैजामा, सब दिशाएं ही थी और कोई कपड़ा नहीं था। इसका अर्थ ये दिगंबर कहते हैं, उसका दिशा है अम्बराणी जस्य स दिगंबर तम, तो सब देख रहे हैं, उसी का वर्णन से सुख गोस्वामी कर रहे हैं। सभा में जब सुखदेव गोस्वामी आए तो
उनके गुणों का वर्णन के अनपेक्षा पृथ्वी पर जहां तहां वे विचरण कर रहे थे तो किसी अपेक्षा से नहीं, किसी इच्छा से, मांग से नहीं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। वास्तव में भगवान कृष्ण ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में आ गए वहां, श्रीधर स्वामी जी लिखे अपने भक्त को अपने धाम का रास्ता सिखाने के लिए, बताने के लिए भगवान प्रेरणा दिए सुखदेव गोस्वामी। श्रीधर स्वामी जी तो एक जगह लिखते हैं कि भगवान ही मुनि के रूप में आए, इनका स्वरूप सुखदेव गोस्वामी का बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा था, सांवला वैसे ही सुंदर। एक बात है कि ये भगवान हमेशा पीताम्बर पहनते हैं और ये साधु भेषधारी भगवान परमहंस बन करके कौपिन तक नहीं पहने थे, आए जहाँ विवाद हो रहा था, विवाद मतलब माइक पर गाली गलौज नहीं हो रहा था, आपस में लोग विचार कर रहे थे, ये विवाद का मतलब। विवाद और संवाद दो शब्द, संवाद का अर्थ अनुकूल भाव से एक के मत में अपना मत मिला करके जो वाद होता है उसको संवाद कहते हैं, और एक मत से दूसरा कुछ भिन्न होता है उसको विवाद कहते हैं। विवाद हो रहा था उसी समय सुखदेव गोस्वामी आए, उनके वेशभूषा का वर्णन सूर्य जी कर रहे हैं, अलक्ष लिंग निजलावतिष्ठ, जैसे संसारिक लोग विषयी लोग अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हैं, कोई विषय की वस्तु पा करके, बाहर की चीज पा करके तब वो थोड़ा खुशी का अनुभव करते हैं, खा करके, देख करके, स्पर्श करके, सुन करके। सुखदेव गोस्वामी निजलाभ तुष्ट, निजलाभ क्या है जीव का, भगवान कृष्ण के चरणों में दृढ़ भक्ति, यही अपना लाभ। जीवे का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवे कृष्ण का नित्य दास है, तो जब भगवान से अपना संपर्क जुड़ करके और उस संपर्क से, संयोग से जो सुख प्राप्त करता है जीव, तो उसको निज लाभ कहते हैं, अपना लाभ, आत्मा का वास्तविक लाभ। तो सुखदेव गोस्वामी को यह उपलब्धि थी, भगवान में चित्त रमा हुआ था, तभी स्वराज्य लाभ से पूर्ण थे और तभी तुष्ट थे, कहीं जाना घूमना इसलिए नहीं कहते थे कि हाँ हमको ये सुख मिलेगा ये मिलेगा। यदृच्छया कहा भी गया, यदृच्छया का अर्थ होता है स्वेच्छया अथवा कृष्ण प्रेरणया, प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से, कृष्ण की कृपा से। महाराज परीक्षित के प्रति जो भगवान कृष्ण का भाव है, यह हमारे मित्र, हमारे सखा अर्जुन का पौत्र है, ये सोच करके उनके हृदय में जो दया है, वो दया ही सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करके ला रही है। वे हस्तिनापुर में भी गुजरे, इस पर सौनक जी पूछे हैं सुख गोस्वामी से, कैसे लोगों ने पहचाना कि ये भागवत के वक्ता हैं और बहुत बड़े मुनि हैं, वेशभूषा तो बिल्कुल विपरीत थी। निजलाभ तुष्ट वृतश्च बालय अवधूत वेश, और अवधूत वेश, अवधूत के दो अर्थ होते हैं, एक तो त्यक्त शरीर आदर, जो अपने शरीर का आदर नहीं करता है उसको अवधूत कहते हैं, न बाल झाड़ता है, न कपड़ा ठीक से पहनता है, न नहाता है, कुछ नहीं। वास्तव में इसी कारण से अवधूत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अगर इस कारण से कोई अवधूत हो जाए कि भैंस गाय नहीं नहाते हैं, सब अवधूत हो जाएंगे। अवधूत का अर्थ यह है कि जो अपने देह का, संसार का आदर नहीं करता है, आत्मा का केवल आदर करता है, और इस कारण से शरीर आदि का स्मरण भी नहीं रहता है, कहाँ सोना है, कैसे रहना है, नहा करके, खा करके,
प्रकृति से जो पार होता है, प्रकृति के गुणों से अतीत है, उसका अवधूत कहते हैं। अवधूत का एक और अर्थ भी है, जनता बेढंगा समझ करके, असामाजिक तत्व समझ करके, जिस व्यक्ति से बात ना करे, छोड़ दे, कोई चर्चा ना करे, तो उसको भी अवधूत कहते हैं, समाज ने त्याग दिया। तो अवधूत जो सच्चा होते हैं वो चाहते ही हैं कि हमको समाज त्याग दे। न गीत नीक गीत गाए न दरबार धके जाए। भोजपुरी में कहावत है कि कोई गायक था तो उसको राजा जब तक बुला करके गवाता था, गाओ गाओ गाओ, तो देता भी नहीं था। एक दिन वो सोचा कि अब मैं जान बुझ करके नीक गीत नहीं गाऊंगा, अच्छा से नहीं गाऊंगा, तो दरबार में धर करके नहीं जाऊंगा, हमको कोई दरबार में नहीं बोलूंगा, नीक गीत गाए न दरबार धर के जाएगा, हम नंगा रहेंगे इसके कारण हमको कोई संसार में फंसा नहीं पाएगा, और पागल जैसा रहे कोई व्यक्ति जो छोड़ दीजिए अवधूत है या नहीं है, ऐसे भी पागल हो जाए, पहनना न जाने, बोलना न जाने, तो उसको कोई संसार में पूछेगा नहीं, वो तो उसका विवाह नहीं होगा, तो महान विपद से तो ऐसे ही बच गया है ना। क्योंकि संसार सागर से तरने के लिए स्त्री की माया से बच जाने बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसको आसानी से अपने आप भगवान बचा लेते। एक जान बुझ करके विवाह न करे ठीक है, साधक है, लेकिन दूसरे को उसका विवाह हो ही ना अपने आप ईश्वर की व्यवस्था से, तो और अच्छा है ना। वास्तव में गुरु से पार होना चाहते उसके लिए बात कही जा रही है, लेकिन जो संसार को भोगना चाहता है, संसार को परम पुरुषार्थ मान लिया है, उसके लिए तो विपत्ति है या विवाह नहीं होना है, तो संसार भी त्याग देता है कि अब समाज के लायक नहीं रहा, उसको भी अवधूत करते हैं। अवधूत वेश, सुखदेव गोस्वामी का वेश क्या है, वेश वेश किस चीज को कहते हैं, वेश का अर्थ है कपड़ा कैसा है और केस कैसे रखा है, पूरा छौर करा दिया है कि जूफी रखा है, ये इसको भेष कहते हैं। और भूषा, भूषा का अर्थ है अलंकार, भूषा तो वेशभूषा, भूषा का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, वेश भी बिल्कुल अवधूत वेश। शिव सुखदेव गोस्वामी आत्मा की उपलब्धि से पूर्णतः संतुष्ट थे और भौतिक वस्तुओं के प्रति या व्यवहार के प्रति बिल्कुल उदासीन थे, कोई रुचि नहीं थी। और सुखदेव गोस्वामी किसी से दीक्षा भी नहीं लिए थे कि गुरु बता दे कि तिलक करके रहो, ये करके रहो, कुछ नहीं, कोई औपचारिक दीक्षा नहीं हुई थी और न कोई संस्कार हुआ था, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ था, जन्म लेने पर पिता करता है वो भी नहीं हुआ था, और इसके बाद उपनयन संस्कार होता है वो भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कोई औपचारिक संस्कार नहीं हुआ था, किसी को गुरु नहीं बनाए थे, वैसे उनके नैसर्गिक गुरु भगवान वेदव्यास थे, पिता भी है गुरु है, क्योंकि उन्होंने इनको श्रीमद् भागवतम पढ़ाया था, पिता वेदव्यास देव से भागवत पढ़ाया था, अतः वेदव्यास देव तो गुरु है ही, और इसे कोई विधि से दीक्षा लेकर के गुरु बनाना है कभी नहीं किया, तो कोई संस्कार नहीं हुआ था इनको कि इस टाइम ऐसे स्नान करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए,
जन्म लेने पर ही घर छोड़ दिए थे, बाद में गए थे पिताजी के पास, तो वे केवल भागवत पढ़ने के लिए गए और कोई नियम संस्कार सीखने के लिए नहीं। किसी भी सामाजिक उत्सव में, सामाजिक काम में इनकी कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार जब ऋषि लोग भिन्न भिन्न मत से वार्ता कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, तो उसी समय पहुंचे सभा में सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे फोटो ले रहे थे वैसे ही मानव फोटो ले रहे सुखदेव गोस्वामी। तम वैष्ट वर्षम सुकुमार पाद करो बावन सपोर रात्रम चार्वायताक्ष नशतुल्य कर्ण सुब्रानन कंप सुजात कंठम। सुखदेव गोस्वामी को देखा ऋषियों ने और देख करके वो प्रतिष्ठान के खड़े हो गए। तीसरे अध्याय में इसका अनुवाद, तीसरे श्लोक में अनुवाद है, तो सुखदेव गोस्वामी द्वि अष्ट वर्षम, जिसमें दो आठ बार हैं, आठ दिन सोलह, द्वि अष्ट द्वैष्ट वर्ष, सोलह वर्ष के बिल्कुल नौ चौवन परम सुंदर उम्र है। आठ दिन सोलह साल की नहीं है, बहुत वर्षों के हैं, लेकिन रहते हैं हमेशा सोलह साल। संकादिक चार भाई पांच वर्ष के रहते, कार्य तक वे इसलिए अपने को पांच साल का रखते हैं कि उन्हें कभी कोई काम विकार ना आ पाए। सुखदेव गोस्वामी सोलह साल के रहते हैं, अभी भी हैं तो केवल सोलह साल के दिखते हैं, परम सुंदर किशोर अवस्था। और आज तक अभी भी कोई चड्डी या कॉपी नहीं पा, कितना सुखी जीवन है। न एक पैसे का कपड़ा, न जूता, न टोपी, न चश्मा, कुछ नहीं। अभी अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सुखी जीवन, और गृहस्थ के घर पर जब गाय जोहने का समय होता था तो जाकर के आधा किलो दूध पी लेना, बस दिल भर का दूध है, पूर्ण भोजन है मनुष्य के, शुद्ध दूध ठीक से मिले। दो आठ दिन सोलह वर्ष के थे, सुकुमार पाद करोरु बाहु अंश कपोल गात्र, इनके दोनों चरण कमल बड़े ही सुकुमार थे, क्योंकि चिन्मय है स्पिरिचुअल शरीर है इनका, तो उसमें नहाए या न नहाए, जूता या मोजा न लगाए, फिर भी मक्खन जैसा कोमल चरण था। माननीय पुरुषों का वर्णन चरण से किया जाता है, तो सुत गोस्वामी भी इनका वर्णन चरण से कर रहे हैं। सुकुमारौ पादौ जस्य, सुकुमारों का कोमल अंग, सुखदेव गोस्वामी के दोनों चरण बहुत कोमल है, और ये सुकुमारों सामने लगे, सुकुमारों कलम दोनों हस्त हाथ कोमल हैं, दोनों उंगली जांघें कोमल हैं, दोनों बाहु और कोमल हैं, और अंश और दोनों कंधे कपोल उच्च, और दोनों गाल सुकुमार पाद करोल बाहुवंश कपोल गात्र, और शरीर के सब अंग बड़े ही कोमल है। चारु आयताक्ष, आयताक्ष और
सुंदर चारुणी आयते और क्षणी दशमे और उनके शरीर में आंख बड़ी बड़ी है और बहुत ही सुंदर दोनों आंखें उन्नता नासा दशमे और उनके मुख में दो आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर हैं नासिका उन्नत है और बहुत सुंदर है तथा तुल्य कलर दोनों कान बिल्कुल एक साइज के हैं ये नहीं कोई लंबा कोई छोटा हो जाए कानों की विषमता का वर्णन नहीं करना है वास्तव में वास्तविक वर्णन है कि तुल्य कलर तो कान जैसा होना चाहिए वैसा ही दोनों कान बहुत सुंदर तुल्य कलर जश्न मुख के लिए आ रहे हैं शोभने चोग जश्न अत्यंत सुंदर भावें हैं उस शरीर में उस मुख में एवं भूतम आनंद जस्य चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण सुभ्रानन और कम्बु सुजात कंठ कम्बुवत शंखवत रेखा त्रयांकित सुष्टु जात कंठ जस्य सुखदेव गोस्वामी का कंठ है सुंदर शंख के समान शंख के समान रेखांकित उसी का सुखदेव गोस्वामी को देख करके सब लोग उत्थान किए श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान परशुराम वेदव्यास देव एवं नारद जी और कुछ ऋषियों को छोड़कर सब खड़े हैं कुछ लोग नहीं करेंगे उसे सुखदेव गोस्वामी को संकोच होता है बाकी सब लोग अपने अपने आसन से खड़े हैं निगूढ़ जत्रुं पृथुतुंग वक्षसं आवर्तनाभिं बलिबल्गुधरं च दिगंबरं वक्त विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाः और कंठ के नीचे अधो भाग में जो हड्डी होती है वो छाती की तरफ से हंसली इसको जत्रु कहते हैं सुखदेव गोस्वामी के जत्रु है हंसली निगूल है दिखाई नहीं पड़ रही समझ भरपूर है अलौकिक दृष्टि से बोल रहे हैं भरपूर मांस है अच्छा से यह नहीं कि इधर मांस उधर हड्डी सब दिखाई पड़े हड्डी दिखाई नहीं पड़ रही है सुन में हड्डी सभी कुछ है पड़े सुन में नहीं पूर्ण स्वस्थ निगूढ़ जत्रु पृथुतुंग वक्षसं और वक्षस्थल छाती चौड़ी है और ऊंची है चौड़ी और ऊंची छाती है आवर्त नाभि बल बलगु धरम आवर्तवत नाभि दस्य जिनकी नाभि भंवर के समान है नदी में आप लोगों ने भंवर देखा होगा करते हैं अब उसको आवर्त करते हैं रामचरित मानस में उस समय तुलसीदास जी भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किए कहते हैं नाभि मनोहर देत जमुन भंवर छवि भगवान श्री राम के नाभि की ऐसी सुंदरता है तो जमुना के भंवर की शोभा को भी तिरस्कृत कर देता है जमुना के भंवर की छवि को छीन लेता है ना भी मनोहर लेत जमुना भंवर छवि छीन हम लोगों ने देखा है नदियों में से गंगा में भी भंवर पड़ता है लेकिन जमुना में बहुत भंवर पड़ता है और जमुना जी का पानी भी सांवला होता है भगवान का शरीर भी सांवला है गंगा जी का पानी धवल होता है उजला होता है इसलिए उससे उतना नहीं होता जमुना से उतना नहीं ना भी मनोहर ले तो जमुना जमीन बहुत अच्छा
भगवान की नाभि ऐसी है, सुखदेव गोस्वामी की नाभि ऐसी है जैसे भंवर हो, भ्रमर भंवर वक्त नाभि अवर्त वक्त नाभि निम्न रेखा बलगु गम्य उदरम दस। अब सुखदेव गोस्वामी का पेट कैसा है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे जाते तो पतला है, ये नहीं कि और नीचे पेट निकल गया है बाहर ऐसा पेट निकल नहीं, और इसमें त्रियर तीन रेखाएं ऐसे रेखाएं रेखा है ठीक से। तो जो लोग कम खाते हैं उनका पेट ठीक रहता है, और वैसे वो सुखदेव गोस्वामी लकीर चंद भी नहीं है। एक पुस्तक में व्यायाम की बात पर बताया था, तीन प्रकार का शरीर का फोटो लिया था, एक लकीर चंद, लकीर चंद तो एकदम हड्डी वाला है पतला पतला, और एक बीच में बनाए थे सुदेह शर्मा, सुदेह कैसे अर्थ हुआ सुष्ठु देह अच्छा शर्मा, और एक उर्दू बाजे उठे है पेट निकला है उसको घूम तो लकीर चंद सुदेह शर्मा, तो सुदेव गोस्वामी सुदेह शर्मा है, हिंदू माले लकीर चंद नहीं है। लेखक लोग भी अति बड़े ढंग से लिखते समंगों का वर्णन कर रहे हैं, और दिगंबरम नग्न दिशाएं हैं उनके पास में, वक्र विकीर्ण केशम, वक्र मतलब घुंघराले, अगले भाग में टेढ़े टेढ़े केश तो वक्र, और विकीर्ण और फैले हुए, ऐसा नहीं कि कभी कट्टर बांध लिए गए खुले, कुछ केस तो मुख पर भी आ गए थे, मन लगता था कि पागल कहाँ से आ गए, और इतना भी नहीं ध्यान है कि केस को हटा दें, भगवान के स्मरण में इतना मग्न है कि ये सब ध्यान नहीं आता, वक्र केस और विकीर तरह तरह बिखरा हुआ केस है, ये सब ऋषि लोग देख रहे हैं, लंब बाहू भुजाएं दोनों भुजाएं बहुत लंबी हैं, सामान्य पब्लिक की अपेक्षा भुजाएं लंबी हजान लंबी थी, घुटने तक लंबी भुजाएं, सोमरोत्तम मान सुअमरोत्तम जो श्रेष्ठ देवताओं में सबसे उत्तम है वे हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु, उनके जैसी आभा है तेज सौंदर्य है सुखदेव गोस्वामी, श्रेष्ठ देवताओं में भी जो उत्तम है हरि उनके आभा के समान उनकी आभा, ये सब है महापुरुष के लक्षण है, महापुरुष मतलब श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु में या उनके अवतार आदि में ये सब लक्षण देखे। सुखदेव गोस्वामी के सुनिद्र में सब लक्षण इनको कृष्ण जैसा लग रहे हैं, यदि वास्तव में ये अपने को संवार लें और मोर पंख बांध लें तो एक बार तो भ्रम हो ही जाएगा कि ये कृष्ण है, कितना सुंदर है सुखदेव गोस्वामी। श्यामं सदा पिच्छ वयंग लक्ष्म्या
स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अभिगूढवर्जसं। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी अपना श्रृंगार आदि नहीं करने से अपने तेज को छिपाए थे, निगूढ़ वर्चस्व, उनका वर्च छिपा हुआ था, फिर भी शरीर की जो आकृति थी उसको देख करके और रूप आकृति के शास्त्र को जानने वाले ऋषि जन सब समझ गए कि महत्पुरुष हैं, और उनको देख करके स्व आसने भी अपने अपने आसनों से उठ गए। जहां बैठे थे वहां से उठ गए, अथवा ऋषियों के लिए जन्मेजय जी ने सब आसन मंगा दिया होगा, उनके लिए क्या कठिन। आसन कोमल या मारे परीक्षित तो कुश की चटाई पर बैठे थे, लेकिन और ऋषियों के लिए यथाजोग्य इस काल के अनुसार आसन लिया गया, इसलिए स्व आसन लिखा गया। अपने अपने आसनों से प्रतिउत्थिता उठ गए, यह स्वागत। सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार नहीं है और न तो कोई जवर सिंह है, न महर्षि है, न राजर सिंह, लेकिन ये है भगवान के परम भक्त और कोई इनका इंगेजमेंट नहीं रहता, केवल श्री कृष्ण का चिंतन और गुणगान, यही इनका जीवन है। इस कारण से ये भगवान के समान पूज्य है। महाराज परीक्षित ने इस बात को कहा भी है जो आगे आएगा, बल्कि कभी कभी भगवान से भी अधिक आदर भगवान के भक्त का होता है, जो बिल्कुल कृष्ण ज्ञान है, कृष्णमय है, ऐसे भक्त का सम्मान भगवान से भी अधिक होता है। ऋषि लोग सुखदेव गोस्वामी का सत्कार कर रहे हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी भगवान विद्यास देव के पुत्र हैं और विद्यास देव उनसे नीचे आसन पर बैठे हैं, सबसे श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव गोस्वामी। परंतु ये बात क्या है, केवल इतनी आदर हो रहा है, वास्तव में उम्र से सम्मान नहीं होता है अभी के समाज में, सम्मान होता है उपलब्धि से। सुखदेव गोस्वामी का महत् अनुभव है भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं का अनुभव है, भगवान के सौंदर्य का, माधुर्य का, ऐश्वर्य का, कृपा का, इन्हीं अनुभवों में वो प्रतिदिन और रात दिन विभोर रहता है। अनुभव की दृष्टि से भगवान के भक्ति के रस को लेने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी ने सबसे श्रेष्ठ ले लिया। ये कोई कहे कि भगवान परशुराम कौन थे, क्यों नहीं कौन होंगे, हावड़ा परशु उठा करके और काटना क्षत्रियों को तो दिमाग जाएगा कि नहीं उधर, सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे नहीं है। भगवान विद्यास देव कहीं गए थे, केवल भागवत ही लिखकर थोड़े सब प्रश्न तो अंत में लिखे, उसके पहले कितना जाल लिखे, कई पुराण दिमाग जाता है नहीं गर्वजन, वास्तव में सब कुछ किए मानव जाति के हित के लिए, लेकिन फिर भी मन तो बिखरता है ना। सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं, श्री नारद जी भक्तों के पास जाते हैं तो कभी कभी असुरों के पास भी जाकर के प्रवचन करते हैं, उनका हित करने के लिए ही करते हैं, उनका हिरण्यकश्यप के समान जाकर उसका गुण गाते थे, कभी से तो कहते हैं तुम खतरा से बचो, विष्णु तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसके योग्य ही इनका प्रवचन होता है, लेकिन फिर भी होता है नहीं इस तरह से। परंतु सुखदेव गोस्वामी का जो अनुभव है भगवान के सौंदर्य अद्भुत,
इसलिए इस सभा में सर्वश्रेष्ठ पद पर सम्मानित हो रहे हैं। अन्यथा आयु ने कितने दीर्घ जीवी महात्मा ऋषि बड़े बड़े कर्म करने वाले तप करने वाले सब अपने अपने आसनों से खड़े हो रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो लक्षण ज्ञा सुन गोस्वामी कहते हैं कि ये सब ऋषिगण लक्षण के ज्ञाता थे। कौन व्यक्ति कैसा है वे पहचान गए कि भगवान को आंखें बता रही थी, उनके शरीर का रहन सहन वेशभूषा व्यक्ति बता रहा था कि ये गुणों से अतीत व्यक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए भगवान के भक्ति सेवा श्रीमद भागवतम पढ़ना नाम जप आदि करना कीर्तन करना और भगवान भक्ति और भगवान भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवान और गुरु चतुर नाम बपु एक उनका नाम चार है लेकिन एक है भक्ति भगवान भक्त और गुरु ये चार नाम है केवल चतुर नाम बपु एक लेकिन एक ही है। इनके पर बंधन किए नाश विघ्न अनेक इनके चरणों में प्रणाम करने से अनेक विघ्नों का नाश हो। सुखदेव गोस्वामी भक्त है भगवान श्री कृष्ण सब तरह से जिनका कृष्ण में आवेश है। गृहस्थों के घर पर जाते थे कभी कभी कम जाते थे जब गाय दुहने का टाइम होता था तो कभी कभी सवेरे कभी शाम को शाम को जगह जाते ऐसे विनोद में कुछ महात्मा कहते हैं कि दूध पीने के लिए जाते थे गृहस्थ दे देगा दूध तो यह बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि वो कृष्ण लीला के आवेश में रहते थे चिंता में तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा खेड़क में गोदोहन की लीला का स्मरण होता था। जो गाय दोहना देखते थे तत्काल ही श्याम सुंदर किस तरह से गाय दुहवा रहे हैं रो रहे हैं ये स्मरण पथ पर चढ़ जाता जब तक वो गाय दुहे गए नहीं तब तक खड़े रहते गाय का दुहना बंद हो गया बस चल गए इसलिए गोदोहन देखा करते थे। भगवान की ब्रज लीला में विशेष करके इनका आवेश था। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध की कथाओं द्वारा ये अक्सर व्यक्त होता है। सुखदेव गोस्वामी का चित्त भगवान की लीलाओं में श्री गोपी जनों में गोपालों में गायों में ब्रज में बिल्कुल आविष्ट है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सबके वंदनीय है और उनका सम्मान हो रहा है। भक्ति के तारतम्य के अनुसार आदर में तारतम्य हो सकता है और कोई संसारिक पद पोजीशन आदि के अनुसार किसी की किसी का सम्मान नहीं होता। ये तो लोक में चलता है। वास्तव में वैष्णव समाज में साधु समाज में भगवान के भक्ति के अनुसार सम्मान नहीं होता है यही नियम है तो सबने उनका स्वागत किया। उनका शरीर का रंग श्याम है और सदा अपिच्छ भय सब समय परम सुंदर लोगन रहता है। उनका 16 साल का रहते हैं सदा अंग लक्ष्मियां अपने अंग की सुंदरता से और रुचि मुस्कान से स्त्रियों के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं चित्त रंग जाता है। इनको देख करके मुनि सब प्रति उत्थिता उठकर खड़े हुए ऐसा शास्त्र कहता है कि किसी पूज्य व्यक्ति को देख करके यदि कोई खड़ा न हो तो उसकी आयु कम हो जाती है प्राण उठने लगते हैं ऊपर तो प्राण को पकड़ने के लिए ऊंचा उठना पड़ता है जैसे कि छाती में ही रह जाए तो ऊपर उठने लगते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कोई सम्माननीय व्यक्ति
कुछ व्यक्ति आ रहा है तो देख अगर कोई बैठा रह जाए तो उसका प्राण यहाँ से इतना ऊंचा आ जाएगा, आक्रमण करने लगता है, इसलिए प्राणों को पकड़ने के लिए उठकर खड़ा हुआ होता है। ये नियम तथा आयु में क्षति होती है यदि खड़ा ना हो तो खड़े हो गए स्व आसने दे अपने अपने आसनों पर आसनों से। यद्यपि उनका तेज छिपा हुआ था फिर भी वो लोग पहचान गए उनको। विष्णु ने इस तरह स्वागत किया। अब श्री परीक्षित महाराज कैसे सुखदेव गोस्वामी का सम्मान कर रहे हैं इसका वर्णन करते हैं। सब समय सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं ये समझना चाहिए। सविष्णुरातुभय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहारा ततो निवृत्ता यदुदा स्त्रियोर्वका महासमसो विवेश पूजितः। सविष्णुरातः भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी रक्षा किया था और रक्षा करके महाराज युधिष्ठिर को दिया था ऐसे परम भाग्यशाली परीक्षित उनका नाम विष्णुराज है। तो जब विष्णुराज ने परीक्षित ने देखा अतिथि के रूप में अपने आप आए हुए। अब व्यागत कहते हैं जिसको निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और अतिथि उसको कहते हैं जो बिना तिथि के बिना सूचना के अपने आप आए स्वतिथि। महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे पास सुखदेव गोस्वामी आए हैं आगताय तो तस्मय सपर्यम शिरसा जहार सबसे पहली पूजा वे की है। और पूजा में क्या करते हैं परीक्षित महाराज वहाँ और बहुत मिठाई और आरती ये सब नहीं रखते थे वो तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे आसन पर बैठ चुके थे सातवें दिन उसके पहले सब कुछ छोड़ करके यहाँ क्या पूजा करें तो सिरसा आधार बस सफर गया। सुखदेव गोस्वामी की पूजा किए सिरसा संस्थान प्रणाम किए बस यहाँ प्रणाम करना ही पूजा थी उनकी। और जब परीक्षित महाराज ने संस्थान प्रणाम किया सब देख करके परिस्थिति जन्मेजय एक सबसे श्रेष्ठ आसन लाए सुखदेव गोस्वामी को पूजा करने के लिए इस आसन में बैठ करके सबको दिखाई दे सके ये उद्देश्य था। ऋषि लोग खड़े हो गए थे इनको देख करके और महाराज परीक्षित सिरसा सपर्यम आधार ये पूजा दिखती है। ये देख करके जो स्त्रियां आई थी सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे सब लगे थे बच्चियां थी बच्चे उसे पता नहीं किस गांव का है पागल है कहाँ जाएगा फिर देखे कहाँ जाता है अरे पागला ऐसे भी लड़के बोलते होंगे हमारा कहाँ घर है कहाँ से आए हम कहाँ जा रहे हैं कुछ बोलते नहीं चलते चलते जब सभा में आए तो सब खड़े हो गए महाराज परीक्षित साष्टांग प्रणाम किए तब तो निवृत्ता आई ये सब लौट गए तब तो निवृत्ता यमुना स्त्रियों पर स्त्रियाँ और बच्चे आबुद थे बुद्धिहीन ये लोग थोड़ा सा पका गए भयभीत हो गए अरे हम लोग तो पागल समझते थे सारे ऋषि मुनि यहाँ प्रणाम कर रहे हैं उनके लिए और कोई जिज्ञासा की बात नहीं रही लौट गए निवृत्ता अपने अपने घर चले गए। अगर सचमुच को पागल होता तो अभी एक दो कुछ दूर चलते लेकिन अब देखे कि पागल नहीं है विशेष बात सूत को स्वामी के इनको अबुधा कह रहे हैं मूर्ख अबुधा इसलिए कह रहे हैं कि इनको भी बैठ करके सुनना चाहिए
सुखदेव गुरु चले गए। जब सारे ऋषि मुनि बैठे वहाँ और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी सब उपनिवेश वो भी बैठे श्रेष्ठ आसन पूजित पूजित होकर के सम्मानित होकर के बैठ। सब जगह पूजा का यही अर्थ नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं अचानक घुमा दो और तो दीपक जला करके और ऐसे सब हम लोग मान लेते बस यही पूजा है। यहाँ ये पूजा नहीं हो रही है सुखदेव गोस्वामी ऊंचा आसन देना प्रणाम करना और प्रेम से बोलना यही पूजा थी। यह देख करके सब लौट गए। मूर्ख स्त्रियां और बच्चे लोग देखते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है। अब तो ब्रह्मा जी स्त्रियों को बुद्धि देने लगे वही कथाएं सुनते हैं बच्चों को अभी भी बुद्धि नहीं बच्चों से तमाशा देखते हैं सुनते प्रेम से नहीं निमृता ये चले गए कुछ दिन पीछे पीछे आए थे किसी तब सुखदेव गोस्वामी सभा में बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं इसका वर्णन सिद्ध करते हैं। सासंवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि देवर्षि संघै यरोचतालं भगवान् तथेन्दु गृहक्षतारा निकरै परितः। स भगवान सुख जी कहते हैं वे भगवान सुखदेव गोस्वामी भगवत भक्ति से पूर्ण परम तेजस्वी परम सुंदर भगवान का ये ब्रह्मर्षि राजर्षि और देवर्षियों के संघ में समुदाय में समृत होकर सबके बीच में अलम व्यय हो सकता बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे शुक्र आदि ग्रहों से घिरे हुए और अश्विनी आदि नक्षत्रों से घिरे हुए तथा अन्य ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा सुंदर लगते हैं इस तरह से सुखदेव गोस्वामी सुंदर लग रहे हैं। पर शरीर के अलावा कुछ नहीं है लेकिन हृदय में भगवान है वाणी में भगवान है इसलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जितने लोग बैठे हैं सबको ग्रह नक्षत्र तारक बनाया जा रहा है लेकिन उन लोगों के बीच में सुखदेव गोस्वामी तारों के बीच जैसे चंद्रा चंद्रमा सुशोभित करता है वैसे सुंदर लग रहे हैं। हमारे परीक्षित को यहाँ भागवत कहा जा रहा है। परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त राजा परीक्षित अभी उपेत्य सुखदेव गोस्वामी के बिल्कुल निकट जाकर प्रणाम किए मूर्धना साष्टांग प्रणाम किए और इसके बाद हाथ जोड़ करके मत्वा झुक करके इस तरह प्रश्न करने के लिए फिर से प्रणाम करने वाले प्रणाम किए स्वागत का प्रश्न करने को और प्रश्न जब चालू किए कहना कुछ उनके विषय में कहना तो नत्वा नत्वा का अर्थ उन्हीं प्रणाम ही अर्थ है लेकिन नत्वा का अर्थ है कि सिर और कंधा झुका कर ये नियम है। गुरु या वैष्णव के पास विनीत भाव से जाना चाहिए कोई चैलेंज लेकर के नहीं जाना। कई ऐसे लोग हैं जो सांड के समान लड़ने के लिए आते हैं। सांड है सिंह को आगे करके और नाक से ठंड ठंड करता हुआ चलता है ऐसे कुछ लोग जाते हैं वैष्णव सभा में ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे
ठीक है, दूसरे के हम लोग जाना चाहिए, वैष्णवों के पास ऐसे नहीं जाना चाहिए, विशेषकर गुरु के पास। जैसे परीक्षित महाराज जा रहे हैं वैसे जाना चाहिए, सांड की तरह बढ़ते हुए और लड़ने के लिए नहीं। सब विनीत भाव से, प्रणाम भी विनीत भाव से, प्रश्न भी विनीत भाव से। इसीलिए भगवान की कारण कहते हैं तब विधि प्रणी पात नहीं, प्रणी और पात, पात पात है गिरना, पूरा गिरे। कैसा प्रकर्षण नितरण पाते, नितरण का पूरा पूरा सष्टांग प्रणाम करें और मन में भी दैन्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कई लोग प्रणाम करें तो क्या करें, हमको करना ही पड़ना। एक बार न्यू जर्सी में एक व्यक्ति के घर पर मैं गया था, एक 3 साल का बच्चा था,